सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सुचीज किचन को और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आप देख पाएं मेरी वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ सेजवान पोहे की रेसिपी शेयर करूँगी। नॉर्मल पोहा तो घर में हम सब बनाते हैं, तो आप इस सेजवान पोहे की रेसिपी को भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाने में आसान है, बहुत ही कम चीज़ों के साथ झटपट बन जाता है और खाने में भी टेस्टी होता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। इसके पहले मैंने होममेड सेजवान सॉस की रेसिपी भी अपलोड की है, तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी या फिर वीडियो की लास्ट में, तो आप वहाँ से उसे ज़रूर चेक कर लेना। तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं कि हमें एक क्विक सेजवान पोहा बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सेजवान पोहा बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप पोहे। यहाँ पे मैंने इसे अभी वॉश नहीं किया, हम इसे 3 से 4 मिनट पहले धोएंगे ताकि ये ज़्यादा सॉफ्ट ना हो कुक करने के। साथ में हमें इसके चाहिए 1 बड़े चम्मच टमाटो सॉस, 3 से 4 बड़े चम्मच सेजवान सॉस, काली मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच लहसुन क्रस्ट की हुई, आप बारीक भी काट सकते हैं, तेल, नमक, 1/4 कप बारीक कटे प्याज, 1/4 कप बारीक कटी शिमला मिर्च और साथ में 1/4 कप बारीक कटे गाजर। अब पोहा बनाने के लिए मैंने कढ़ाई गर्म कर ली, तो इसमें 1 छोटी चम्मच तेल डाल लेंगे और तेल को गर्म कर लेंगे। तेल के गर्म होने पे हम इसमें क्रस्ट की हुई लहसुन डाल देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे इसे चॉप करके भी यूज़ कर सकते हो, हल्का सा 30 से 40 सेकेंड, थोड़ा सा सौते करेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करना, तो मीडियम फ्लेम पे हल्का सा कुक करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारे बारीक कटे प्याज, प्याज को भी मिक्स कर देंगे और 2 से 3 मिनट कुक करेंगे, हल्का सा सॉफ्ट होने तक, कलर चेंज होने तक। तो देखिए मैंने यहाँ पे प्याज को भी 2 से 3 मिनट कुक कर लिया और हमारे प्याज का कलर कितना पिंक हो गया। तो हम इसमें बाकी वेजेस डाल देंगे, गाजर, शिमला मिर्च, आप चाहो तो इसमें बीन्स, कैबेज भी डाल सकते हो। अब इसे भी मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा ही कुक करना है। अब मैंने सब्जियों को 2 से 3 मिनट हल्का सा भून लिया था, तब मैं इसमें डाल लूँगी 3 बड़े चम्मच सेजवान सॉस। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना मिर्चा खाते हो कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में 1 बड़े चम्मच टमाटो सॉस भी डाल लेंगे और दोनों सॉस को डालने के बाद हम इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे एक बार सभी चीज़ों के साथ। मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल लेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से, और इन दोनों चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट हल्का सा कुक करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो मैंने सभी चीज़ों को 1 मिनट कुक कर लिया है, तब मैं इसमें पोहा डालूंगी। मैंने इसे 3 से 4 मिनट पहले हल्का सा धो लिया था, तो ये सॉफ्ट हो गए हैं थोड़े से, तब मैं सारे पोहे को इसमें डाल दूँगी और इसे अच्छे से हल्के हाथों से अच्छे से मिला लूँगी। और सभी चीज़ों को मिलाने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे हल्का सा कुक करेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट कुक, तब मैंने पोहे को 2 से 3 मिनट कुक कर लिया था। हमारे पोहे बनके तैयार हैं, तो मैं गैस ऑफ कर दूँगी और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्लेट लिया है, तो इसमें पोहा निकाल दूँगी। आप इसे गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगता है, सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं। तो लीजिए बनके झटपट तैयार है हमारे सेजवान पोहा। देखा आपने बनाने में कितना आसान है, जल्दी से आप बना सकते हो अगर ज़्यादा टाइम ना हो आपके पास। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और रेसिपीज़ के लिए। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।